कि आपने न्याय दिया, थुआ है हम पे मोदी जी। मोदी ने कहा था कि 400 पार, अभी महिलाओं ने उन्हें 300 पार नहीं करने दिया, आने वाले में भी 100 पार नहीं होंगे। अब मोदी जी के भागने का, गद्दी छोड़ने का काम आ गया है। हम महिलाओं उनको खदेड़ के रहेंगे, कोई सुरक्षित नहीं। अब देखिए, लोगों ने तो वोट डाल के उनको जिताया नहीं है, उन्होंने तो मशीन के ऊपर जिता के लाया। वो मजबूत सरकार नहीं बना सकते। हम मोदी सरकार को झुंझुना पकड़ाना चाहते हैं। कानून में भी न्याय नहीं है और हमें बाहर भी 50% रिजर्वेशन है, इसलिए हमें तराजू लगे। हर बात पे झुंझुना झुंझुना झुंझुना, बजट के नाम पे झुंझुना। आप मोदी जी भागेंगे, ये देख लीजिए। जब महिला जागी है, बीजेपी पूरे भारत से भागी है और वह जल्द भागने वाली है। मोदी सरकार बेशरम सरकार है। नेशनल दस्तक आप देख रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ अब्राउल लखरहमानी। कांग्रेस पार्टी महिला, जो कांग्रेस के तमाम लोग इस वक्त जंतर मंतर पर मौजूद है और वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि महिला आरक्षण को लागू किया जा सके। क्या कहेंगी आप लोग जो इस वक्त यहाँ पर जंतर मंतर पर मौजूद है, क्या मांगे हैं महिला आरक्षण को लेकर के, क्या आप सरकार से ये मांग? मोदी जी ने कहा था कि आप हमें आरक्षण देंगे, 50% रिजर्वेशन देंगे और महिलाओं को बचाएंगे, महिलाओं को पढ़ाएंगे। क्या आपने किया मोदी जी? अगर आपकी बीवी, मोदी जी कह तो रहे हैं कि महिलाओं को सम्मान भाजपा की सरकार में मिल रहा है और लगातार मिल रहा है। जिसकी बीवी को उन्होंने न्याय नहीं दिया तो क्या महिलाओं को देंगे? अरे बीवी को घर से भगा दिया आपने, आपने बीवी को अभी तक न्याय नहीं दिया। तो आपको बीबी होती तो बेटी होती, बेटी होती तो महिला को आप सुरक्षा रखते। क्या आप मणिपुर गए? क्या आपने न्याय दिया? थुआ है आप पे मोदी जी। ये तराजू लेकर के क्यों आए? तराजू का मतलब जानते हैं? क्या महिलाओं को रेप केस में न्याय मिला है? रोज हमें चीर पाड़ कर उनके विधायक हमें अत्याचार करते हैं और जेल से छूट जाते हैं। क्या उन्होंने उनको अंदर डाल के महिलाओं को न्याय दिया है? इसलिए कानून में भी न्याय नहीं है और हमें बाहर भी 50% रिजर्वेशन है, इसलिए हमें तराजू लगे। अच्छा, अब क्या लग रहा है कि महिला आरक्षण को लेकर के सरकार सुनेगी? चुके सत्र चल रहा है सदन का सत्र चल रहा है, क्या कांग्रेस पार्टी इसको अब संसद में भी उठा? हम राजभवन भी जाएंगे, हम जब न्याय नहीं मिलेगा तो सड़कों पे उतरेंगे। मोदी ने कहा था कि 400 पार, अभी महिलाओं ने उन्हें 300 पार नहीं करने दिया, आने वाले में भी 100 पार नहीं होंगे। अच्छा, यहाँ पर और भी लोग, ये आप क्यों लेकर के आए हैं, क्या है इसके पीछे? मोदी जी ना चाय बनाते थे ना, चाय बना के वो मिनिस्टर प्रधानमंत्री हुए ना, तो चाय बना बनाते क्या देश को भी बेच रहे हो आप? महिला की इज्जत की तुमको कोई भी खबर नहीं है? वो बोल रहे रोजगार है चाय बनाना। रोजगार? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है, चाय बनाना मोदी जी भी बेच सकते हैं ना। मोदी जी तो बेच करके आए हैं, उनको क्या जरूरत है प्रधानमंत्री बनने का? अगर जो डिग्री करे तो जो लोग हैं आपके जैसा युवा है, लड़कियां है, उनको रोजगार चाहिए, वो क्या जाकर चाय बेचेंगे? आपको तो मालूम है चाय बेचना क्या है, आप तो बेच सकते हो। क्यों बोले तो उनका एजुकेशन कुछ भी नहीं है, सर्टिफिकेट देखा है। आप बोलते हैं कि रोजगार के बदले में चाय भेजो, भुजिया बना दो, आप बनाओ ना, आपको एक्सपीरियंस है ना बना के। आप युवाओं को क्यों बोल रहे हैं? आप लायक नहीं है सरकार बनाने में, आप लायक नहीं है प्रधानमंत्री बनाने में। 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। कहाँ मिल रहा है? प्रधानमंत्री आपको मिला है रोजगार? मिला है आपको? मिला है क्या मुझे? मिला है? मैं भी एजुकेटेड हूँ। घर के महिलाओं को मिला है? रिजर्वेशन बिल पिछले इलेक्शन में आपने प्रॉमिस किया है, क्या आपने आपका ये दिया हुआ आश्वासन पूरा किया है मोदी जी? नहीं ना। सो इस बार हम प्लीड कर रहे हैं गवर्नमेंट से, मोदी जी व्हाट यू प्रॉमिस्ड फॉर अस, जस्ट इम्प्लीमेंट दैट प्रॉमिस। वी नीड 33% रिजर्वेशन इन अगला इलेक्शन। अरे भाजपा वाले कह रहे हैं कि ये जो सरकार है एनडीए की, इसमें महिला सबसे ज्यादा सुरक्षित है। नहीं सुरक्षित है, कोई
कहीं सुरक्षित नहीं है। आप देखिए अतराज की घटना, देखिए मणिपुर की घटना, देखिए मणिपुर में लोग में इतना महिला को लोग अन्याय इतने नहीं, मणिपुर का लोग महिला को न्याय नहीं देता, इतना लोग सुरक्षित नहीं है इस भारत में, महिला सुरक्षित नहीं है। अच्छा चलिए, तो ये इनकी तमाम मांगे हैं, ये तमाम बातों को लेकर के अब क्या लगता है सरकार पर आप लोग दबाव बना पाएंगे, क्योंकि मजबूत सरकार है ये भाजपा का दावा है, भाजपा कह रही है मजबूत सरकार है, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। कहाँ की मजबूत सरकार है, लोगों ने तो वोट डाल के उनको जिताया नहीं है, उन्होंने तो मशीन के ऊपर जिता के लाया, वो मजबूत सरकार नहीं बना सकते हैं। इसीलिए मैं लोगों को कहना चाहती हूँ, अगली बार आप सभी लोग मिलकर मोदी को सबक सीखना चाहिए, हम महिलाओं को नहीं छोड़ने वाले। आप चाय बनाने की लायक है, चाय बना के आप रह सकते हो, युवाओं को मजदूरी चाहिए, अगर मजदूरी हो तो कल महंगाई कहाँ बढ़ रही है, महंगाई का क्या गरीब लोगों का पेट भर रहा है। बजट जो आया है बोल रहे हैं कि मिडिल क्लास के लिए बहुत सारी चीज आया हुआ बजट, तो सभी अदानी और अंबानी के खर्च चुकाने जा रहे हैं, लोगों को कहाँ मिल रहा है। हाँ, अगर ठीक तरह से सभी को मिल सकता तो हम क्यों यहाँ रोड पर आते, ये झुनझुना लेकर के क्यों आए। ये हम मोदी सरकार को झुनझुना पकड़ाना चाहते हैं, महिलाओं के सुरक्षा के नाम पे झुनझुना, बच्चों के लिए, भारत के लिए विकास के नाम पे झुनझुना, युवाओं के लिए नौकरी के नाम पे झुनझुना, परीक्षाओं के नाम पे झुनझुना, वंदे भारत के नाम पे झुनझुना, देश को विश्व गुरु बनाने के नाम पे झुनझुना, हर बात पे झुनझुना झुनझुना झुनझुना, बजट के नाम पे झुनझुना। शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को जो शिक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए जो बजट है उसमें अपना 1.54% और दिया है, उनको शर्म आनी चाहिए। जो कोरोना जैसी महामारी आई उसमें भी मोदी जी ने अपना फायदा देखा और लोगों को झूठी वैक्सीन लगाई। अरे भाजपा कह रही है कि मोदी जी के आने के बाद भारत को पहचान मिली है विश्व में, वो सिर्फ मोदी जी के गोबर भक्तों के लिए, अंध भक्तों के लिए। वो बोलते हैं कि गांधी को कोई नहीं जानता, आज से गांधी जी को देश आजाद हुआ तब से गांधी जी की हर देश में उनकी मूर्ति की पूजा की जाती है, सम्मान के साथ पूजा जाता है, और खुद जाते हैं ना तो बोलते हैं कि मैं गांधी के देश से आया हूँ। वो खाली झुंझुना फेंकते हैं और पनत उल्टी सीधी बातें करते हैं, मंगलसूत्र की। अब मोदी जी भागेंगे, ये देख लीजिए, ये महिला जागरूक हो गई हैं, अब महिला कभी पीछे नहीं हटेंगी। अब मोदी जी के भागने का, गद्दी छोड़ने का काम आ गया है, हम महिलाओं उनको खदेड़ के रहेंगे, पूरा भारत से निकाल के रहेंगे। जब महिला जागी है बीजेपी पूरे भारत से भागी है और वह जल्द भागने वाली है। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पर, इनसे भी जानते क्या कहेंगी मैम, आज आप लोगों का बड़ा यहाँ पर रैला हो रहा है, सरकार को क्या झुका पाएंगे। मैं कह रही हूँ कि जो विधेयक पास किया है वो लॉलीपॉप है, आप इसको लागू करिए, आज करिए, अभी करिए। महिला के सम्मान की बात भाजपा लगातार कर रही है, क्या झूठ बोल रही है। मणिपुर में कर रही है, पहलवानों का किया था सम्मान, तो भाजपा नरेंद्र मोदी सम्मान का सबूत भी देता है। आप जंतर मंतर पर देखिए, आप मणिपुर में देखिए, महिलाओं का सम्मान नरेंद्र मोदी से ज्यादा कोई कर ही नहीं सकता। मणिपुर में नंगा घुमाया है और प्राइवेट पार्ट में हाथ डाले गए हैं, ये तो कवर हो गया, बिना ऑफ कैमरा क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं। अभी जो सेशन चल रहा है, जो सत्र चल रहा है, उसमें क्या लगता है, क्या ये सारी बात उठने वाली है विपक्ष के द्वारा उठाई। अब की बार विपक्ष बहुत मजबूत है, राहुल गांधी LOP हैं, वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं, एंड आई एम श्योर कि वो बात रखेंगे और लागू करवाएंगे, आधी आबादी की बात। तो ये जो है सारी बातें हैं लगातार हम करने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ पर और भी जो लोग हैं उनसे भी समझते हैं कि आखिरकार ये जो क्या महंगाई डायन खाए जाते हैं, क्या क्या कहेंगे। महंगाई डायन खाए जाते
हर चीज महंगा हो गया है। टमाटर लगभग 150 रुपए किलो है, प्याज 50 रुपए किलो है, सारी चीजें जो 2014 में चाहे आलू टमाटर मूंगफली अनाज के जिन सब के सब चौगुना हो गए। सिलेंडर जो 414 रुपए का मिलता था आज 1100 रुपए का है, तो महंगाई डाल खा जाती। आज देश भर की नारी शक्ति यहाँ पर जमी है और यह मांग करती है कि महिला आरक्षण दो, और नहीं दोगे तो हम लेके रहेंगे। भाजपा कह रही है क्या अगर देश के लोग महंगा सामान नहीं खरीदेंगे तो देश विश्व गुरु कैसे बनेगा? आप लोग जबरदस्ती का माहौल बना रहे, भाजपा कह रही है। आप याद करिएगा स्मृति ईरानी जी को सिलेंडर लेके सड़कों पे नाचा करती थी, महंगाई डायन खाए जाती गाना गाती थी। आज कहाँ है मोदी, कहाँ है स्मृति ईरानी? अब तो निर्मला सीतारमन कहती है कि हम तो प्याज नहीं खाते। अरे तुम प्याज नहीं खाती तो तुम टमाटर भी नहीं खाती। 414 रुपये का सिलेंडर आपको महंगा लगता था, अब 1100 रुपये का महंगा नहीं लगता। नारी शक्ति का जो गहना मंगल सूत्र सोना जो होता था, अब हम अपना सोना बाजार में देने जाएंगे तो 20% की एक कटौती कर लेंगे। ये कहां की सरकार है? मोदी सरकार बेशरम सरकार है और जनता के जेबों में डकैती डाल रही है, हम इसकी निंदा करते हैं। क्या कहेंगी मैम इस जो मांग को लेकर के आप सब जंतर मंतर आई हैं, क्या सरकार पर असर पड़ेगा? सरकार तो कह रही है सब मंगलमय है, सब बेहतर चल रहा है, आप लोग जबरदस्ती का धूप में आके प्रदर्शन। देखिए घोषणा वीर सरकार है और ये घोषणाएं करती रहेगी, ये महंगाई बढ़ाती जाएगी, घोषणाएं करती रहेगी। आज 33% महिलाओं का आरक्षण पास हुआ, नहीं हुआ ना अभी तक। आज महिलाओं के लिए कोई भी सुविधा नहीं है, महिलाएं अपराध बढ़ते जा रहे हैं। बताइए क्या करेगा सरकार? सिर्फ घोषणाएं करती, घोषणाओं के अलावा कुछ नहीं करती है। और हम इंदौर से यहाँ आए, सिर्फ महिलाओं का एक गुट आया है, तो महिलाओं के गुट के लिए आए तो क्या होगा? आज भी हम यहाँ आए, कुछ तो होना है। और हर इंसान आशा लेके आता है, हम भी आशा लेके आए। चलिए तो ये पूरी बातचीत है, हमने सबसे जानने की कोशिश की है। यहाँ पर आप देखिए कि हुजूम जो है काफी बड़ा है और तमाम लोग जो है बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।